मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन टू फॉर WFIS स्टूडेंट्स, डबल केज इंडक्शन मोटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। डबल केज इंडक्शन मोटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डबल केज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले तो डबल केज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शनल व्यू है डबल केज इंडक्शन मोटर का, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो रोटर होता है डबल केज इंडक्शन मोटर का, उसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, यानी कि टू केज वाइंडिंग होती है, ठीक है। रोटर कंसिस्ट ऑफ टू स्केल केज, ठीक है। तो उन टू स्केल केज में उनमें रोटर्स होते हैं, यानी कि दो रो होती हैं वाइंडिंग की। एक तो आउटर सरफेस पे होती है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है। और फिर एक इनर सरफेस पे आपकी रो होती है स्लॉट सी, ठीक है, जिसके अंदर हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं रोटर में, ठीक है। तो इसमें ये डबल केज, इसलिए इसको डबल केज इंडक्शन मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आउटर वाइंडिंग होती है उसमें जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, ठीक है। और जो इनर वाइंडिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस आपका लो होता है, और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इसका जो लीकेज रिएक्टेंस होता है आउटर वाइंडिंग का वो लो होता है, ठीक है। और इनर वाइंडिंग होती है उसका, उसके जो रोटर स्लॉट्स होते हैं, रोटर स्लॉट्स का रेजिस्टेंस क्या होता है वो लो होता है और लीकेज रिएक्टेंस हाई होता है इनर वाइंडिंग का। और एज़ कम्पेयर टू आउटर वाइंडिंग में जो रोटर स्लॉट्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है और लीकेज रेजिस्टेंस कम होता है। लीकेज रिएक्टेंस मीन्स जो लीकेज करंट होता है, ठीक है, लीकेज फ्लक्स की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको लीकेज रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें टू रोज होती हैं स्लॉट्स की, ठीक है, सिमिलरली सेम होती हैं, जैसे आउटर में होती हैं वैसे इनर में होती हैं। और ये इसकी शाफ्ट है, ठीक है, और ये इसका इंटरनल एरिया शो कर रखा है, ठीक है। तो ये डबल केज इंडक्शन मोटर होती है इसकी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। सिर्फ यही फ़र्क होता है सिंगल फेस इंडक्शन से, यानी कि जो इंडक्शन मोटर होती है स्केल केज, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शनल व्यू है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है ये कैसे काम करती है, ठीक है, ऑपरेशन क्या है इसका, यानी कि ये कैसे काम करती है आपकी। तो सबसे पहले तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मोटर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सेम होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। देयरफॉर तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से रोटर की करंट की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जिसकी वजह से क्या है इसका लीकेज रिएक्टेंस है वो क्या बढ़ जाता है, यानी हाई हो जाता है। जो आउटर वाइंडिंग होती है आपकी, ठीक है, उसका जो इनर वाइंडिंग होती है, सॉरी, जो इनर वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यानी कि उसका लीकेज रिएक्टेंस होता है वो हाई हो जाता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है लो हो जाता है। वो इसलिए होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है। और सिमिलरली एज ए रिजल्ट द इम्पिडेंस, जब आपका लीकेज रिएक्टेंस यानी कि हाई होगा इनर वाइंडिंग का, तो इम्पिडेंस ऑफ दी आउटर वाइंडिंग क्या होगा, वो लेस होगा, लेस देन दैट ऑफ इनर वाइंडिंग। तो इनर वाइंडिंग का इम्पिडेंस ज़्यादा होगा आपका, ठीक है, हाई होने की वजह से, तो वो आउटर वाइंडिंग के कंपेयर में क्या होगा, लेस देन होगा। यानी कि जो आउटर वाइंडिंग का आपका इम्पिडेंस होगा वो इनर वाइंडिंग के कंपेयर में क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। देयरफॉर जब लेस होने के कारण जो उसका इम्पिडेंस लेस होगा, तो उसमें आउटर वाइंडिंग में आपका ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू दी आउटर वाइंडिंग ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। जब उसका इम्पिडेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा आउटर वाइंडिंग का, ठीक है, और लो लीकेज रिएक्टेंस होगा, तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो जिसकी वजह से क्या हो आपकी वो क्या डेवलप करेगा, मोर स्टार्टिंग टॉर्क, ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से वो क्या डेवलप करेगा, मोर स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो जब आपकी मोटर स्पीड पकड़ लेगी,
एज सुन एज द मोटर पिक अप द स्पीड, ठीक है, पिक अप द फुल स्पीड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट बिकम्स वेरी लेस एंड द करंट इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग इन द आउटर केज फ्लो इन द इनर केज। अब क्या होगा जब मोटर आपकी आगे, जब मोटर आपकी एक बार स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जब वो स्पीड पकड़ेगी मोटर आपकी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट की है वो लेस हो जाएगी, वेरी लेस, ठीक है, सब यानी कि वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से बहुत कम हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी रोटर करंट की। तो जिससे क्या होगा, जो करंट आपका जो इनर साइड फ्लो हो रहा था, वो आपका जो आउटर साइड पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो इनर साइड की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इनर केज पे। पहले वो आउटर केज में फ्लो हो रहा था आउटर स्लॉट्स में, अब वो इनर साइड पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा आपकी जो मोटर है, मोटर की जो ये ऑपरेशन है वो डिस्कस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रखी हैं, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कर्व है बिटवीन टॉर्क एंड स्पीड की, ठीक है, तो इसमें आउटर केज टॉर्क और इनर केज टॉर्क दिखा रखा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे है जहाँ पे ये मिडिल पॉइंट है जहाँ पे टॉर्क आपका सेम है, तो जब आपकी स्पीड क्या है, यानी कि स्पीड आपकी 0.6 के करीब है, तो अब आपका ये टॉर्क इनर केज और आउटर केज तो टॉर्क आपका सेम है, यानी कि इस समय में आपकी जो मोटर की फ्रीक्वेंसी है वो अनबैलेंस है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट टॉर्क बता रहा है, ठीक है। तो ये इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैवी ड्यूटी साइड, हैवी ड्यूटी स्टार्टिंग में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकल मशीन टू फॉर डब्ल्यू स्टूडेंट्स। टुमारो टुडे योर टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन कॉपर लॉस एंड मोटर स्लिप। बेटा इसमें कुछ इससे टर्म रिलेटेड हैं इस रिलेशन से। सबसे पहले था डेवलप टॉर्क इज इक्वल टू टी डी, एन एस इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड एंड एन आर इज इक्वल टू रोटर स्पीड, ठीक है। तो ये टर्म्स इसमें जरूरी हैं रिलेशन में। तो सबसे पहले तो हम पावर डिस्कस करेंगे कि जो हमारी पावर है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो पावर जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम स्टेटर टू रोटर वो किसके इक्वल होती है, एयर गैप फ्लक्स की, इसके इक्वल एयर गैप पावर, जो एयर गैप में जो पावर होती है, ठीक है। तो पी जी इज इक्वल टू क्या है, एयर गैप पावर यानी कि रोटर इनपुट, उसकी जो वैल्यू है वो डब्ल्यू एस इंटू टी डी है। तो डब्ल्यू एस टी डी, तो डब्ल्यू एस इक्वल टू किसके है, टू पाई एन एस के। इसलेशन में इक्वेशन वन में देखो पी जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस इंटू टी डी, तो ये किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू टू पाई एन एस इंटू टी डी, ठीक है, ये इक्वेशन वन आ जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट है आपकी मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर जो आउटपुट पावर होगी जो डेवलप होगी आपकी, ठीक है, वो किस किस से डिनोट करेंगे हम, पी एम से। तो ये किस किस की वैल्यू कितनी है, टू पाई एन आर इंटू टी डी, ठीक है। ये जो एन एस एंड एन आर आपको पता ही होगा सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर स्पीड है, ठीक है। और कॉपर लॉस क्या होंगे, जब आप पावर आपकी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम रोटर टू स्टार्टर टू रोटर, ठीक है, तो कॉपर लॉस आई आर इसको हम डिनोट करेंगे, जो रोटर में प्रोड्यूस होंगे आई स्केयर इंटू आर इज इक्वल टू पी डब्ल्यू, ठीक है। तो पी डब्ल्यू को हम किस से डिनोट करते हैं, कॉपर लॉसिस से, ठीक है। तो कॉपर लॉसिस आपके किसके इक्वल आ जाएंगे, पी जी माइनस पी एम, यानी कि डिफरेंस होगा पावर का, इनपुट पावर का और आउटपुट पावर का, उसका डिफरेंस क्या होगा, आपका लॉसेज होगा, ठीक है। तो अब हम यही इक्वेशन हम आगे इसमें
आप पावर्स की इक्वेशन डाल देंगे पीजी और पीएम की, तो दोनों की इक्वेशन डालोगे तो इक्वेशन टू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन टू को वन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, टू पाई एन एस टी डी माइनस टू पाई एन आर टी डी अपॉन टू पाई एन एस टी डी, जो किसका रेशियो होगा पी डब्ल्यू अपॉन पी, यानी पी डब्ल्यू क्या है कॉपर लॉस है आपका, तो पी जी क्या है रोटर इन। ठीक है, तो आगे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस इंटू पी जी। पी डब्ल्यू हमारी क्या है रोटर कॉपर लॉसिस है, और एस क्या है स्लिप है, और पी जी क्या है रोटर इनपुट है। तो आपके पास किसके साथ रिलेशन है कॉपर लॉसिस का, स्लिप के साथ और रोटर इनपुट के साथ, तो ये रिलेशन आपको शो कर रहा है। ठीक है, कि जितने आपके कॉपर लॉसिस होंगे उतनी ही आपकी स्लिप होगी, उतनी ही आपकी जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर हम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है रिलेशन का। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू फॉर इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स। तो सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन से पहले तो आपको इंडक्शन मोटर का पता होना चाहिए, इंडक्शन मोटर होता क्या है और उसके क्या क्या यूजेज हैं। बेटा थ्री फेज इंडक्शन मोटर वो मोटर होती है जो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रन करती है। ठीक है, नॉर्मली जो सिंक्रोनस स्पीड होती है मोटर की वो 1500 RPM होती है, लेकिन ये जो इंडक्शन मोटर होती है 1500 RPM से कम पे रन करता है, और इसकी जो स्पीड होती, इसलिए हम इसको स्पीड कंट्रोल मेथड में यूज़ नहीं करते स्पीड कंट्रोल के लिए। इसकी जो स्पीड जो डिपेंड करती है सप्लाई फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, और इसका यूसेज जो है वो कई जगह है, इंडस्ट्री में भी है, डोमेस्टिक में भी है। इंडस्ट्री में हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स यूज़ करते हैं, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन थ्री फेज की है। ठीक है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है इंडक्शन मोटर की, उसके दो पार्ट्स होते हैं, स्टार्टर एंड रोटर। तो सबसे पहले इसका जो हम स्टेटर है उस पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिगर देखेंगे स्टेटर की। तो ये जो है जो फिगर ए है, और फिगर जो फिगर ए है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि स्टार्टर की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। स्टार्टर में बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है स्टार्टर की, उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो आपका स्टेटर फ्रेम है, दूसरा स्टेटर कोर है, और तीसरा स्टेटर वाइंडिंग है। ठीक है, तो जो स्टार्टर जो मेनली इसका स्टेशनरी पार्ट होता है, ठीक है, उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो हम ले लेते हैं स्टार्टर फ्रेम को। ठीक है, जो स्टेटर फ्रेम होता है वो स्टील का बना होता है। ठीक है, स्टील फ्रेम बोलते हैं इसको, और इसमें ये क्या मैकेनिकल सपोर्ट देता है इंटरनल पार्ट्स को, यानी इंटरनल पार्ट्स जो हमारा क्या है स्टार्टर कोर। ठीक है, उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड पार्ट लेते हैं स्टेटर कोर। अब स्टेटर कोर जो है इसमें वो इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, इंटरनल पार्ट यानी कि ये आपका इसमें जो है लेमिनेशन होती है, थिन लेमिनेशन होती हैं इसमें। ठीक है, ये जो हमारी अंदर होती हैं इसकी, ठीक है, थिन लेमिनेशन। जो थिन लेमिनेशंस होती हैं वो
स्टेटर कोर, यानी स्टेटर कोर इससे मेड अप होता है आपका, ठीक है। इसकी जो लैमिनेशन की जो लेंथ है वो 0.35 mm to 0.5 mm तक होती है, ठीक है। अब दूसरा तीसरा जो पार्ट इसका है वो है स्टेटर वाइंडिंग। इसमें जो है थ्री फेस इंसुलेटेड स्टेटर वाइंडिंग होती है जो इसके स्टार्टर कोर के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है। और ये इंसुलेटिंग वाइंडिंग आपकी थ्री फेस स्टार में या डेल्टा में कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा पार्ट होता है स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। अब जब हम इस वाइंडिंग यानी कि इसकी जो वाइंडिंग होती है उसको अगर हम एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें थ्री फेस एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो कि इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, जिसके कारण ये इसका जो ये रोटेट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स साइक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करता है, ठीक है। तो ये इसकी ये इसका स्टार्टर हो गया। अब सेकंड है इसका रोटर। अब रोटर जो है इसका रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है। रोटेटिंग पार्ट में इसके टू टाइप्स के रोटर होते हैं, ठीक है। रोटेटिंग पार्ट में फर्स्ट है आपका स्क्विरल केज रोटर, ठीक है, और दूसरा है आपका फेस वाउंड रोटर। जो स्क्विरल केज रोटर होता है आपका वो बेसिकली लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर के साथ आपके, चाहे आप इस फिगर में देख लीजिए, ठीक है। अब जो फेस जो स्क्विरल केज रोटर होता है आपका, इसमें लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर टाइप का होता है जिसके साथ पैरेलल में आपके स्लॉट होते हैं, ठीक है। तो एक हर जिसके अंदर आपने रोटर कंडक्टर डाले होते हैं स्लॉट्स के अंदर, और जो रोटर कंडक्टर होते हैं वो एक वायर नहीं होती, वो एक बार होता है एल्यूमिनियम कॉपर का या अलॉय का, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, जब इसमें हम बार प्लेस करते हैं कॉपर इसमें स्लॉट्स में, ठीक है, तो हर एक स्लॉट में एक बार प्लेस करते हैं, ठीक है। तो जब आप हर एक स्लॉट में एक बार प्लेस करते हैं तो उसको ई आल दी बार आर जॉइंड एट ईच एंड, जितने बार में जितने स्लॉट में आप प्लेस करोगे वो आपके जॉइंट हो जाएंगे हर एक एंड पे, ठीक है। जिसके कारण ये जो आपके स्लॉट्स हैं उसको हम हर एक एंड यानी कि आल एंड को जब शॉर्ट करते हैं तो उससे एक उसको एक रिंग के द्वारा शॉर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग रिंग, इसको बोलते हैं एंड रिंग या स्लिप रिंग, ठीक है। उसके साथ हम इसको शॉर्ट कर देते हैं बोथ एंड से, ठीक है, जो रोटर की जो वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये जो रोटर की कंस्ट्रक्शन होती है स्केल के इस टाइम में, इसको हम स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है वो गैलरी की तरह होती है देखने में, ठीक है। और इसमें एक बात और है, इसमें हम देखिए इसकी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होती है, इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड वाउंड रोटर। वाउंड रोटर में क्या होता है, फेस वाउंड रोटर को हम स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारी थ्री फेस इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है, वो स्टार में कनेक्टेड होती है, ठीक है, जैसे इस फिगर में दे रखा है। ये देखो थ्री फेस वाइंडिंग है हमारी, वो स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके साथ हमने हर एक फेस के साथ हमने स्लिप रिंग लगा रखी है, ठीक है। जो वाइंडिंग का ओपन एंड है उसके साथ हमने हर एक फेस के साथ हमने स्लिप रिंग लगा रखी है, और स्लिप रिंग के साथ हमने ब्रश लगा रखा है, ठीक है, और अदर एंड में हमने रियोस्टेट लगा रखा है हर एक फेस के साथ, ठीक है। तो ये इसका पिक्चोरियल व्यू है वाउंड रोटर का, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में क्लियरली, ठीक है, कहाँ शाफ्ट है, ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है, ये स्लिप रिंग है, ये बेयरिंग है, ठीक है, ये रोटर वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
और ये इसका एक्सटर्नल पार्ट्स है और ये शाफ्ट है। ठीक है बेटा, ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन टू फॉर WFM स्टूडेंट्स, टॉर्क डेवलप बाय इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो टॉर्क कैसे डेवलप होता है इंडक्शन मोटर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी चीज़ के होता है। टॉर्क होता है क्या, टॉर्क जो बेसिकली एक टर्निंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ रोटर इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो रोटर जब घूमता है उसकी टर्निंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए। टॉर्क की जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, रोटर करंट के और पावर फैक्टर के। ठीक है, तो इसमें दे रखा है इक्वेशन में, जैसे कि इक्वेशन में दे रखा है आपको, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये देखो, इसमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 51 I2 cos phi 2। ठीक है, तो सिमिलरली जो आपका टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी, टॉर्क डायरेक्शन मुझे 51 I2 cos phi 2, इसमें जो है 51 है वो स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स है। ठीक है, I2 क्या है, रोटर करंट पर फेस है। ठीक है, और cos phi 2 क्या है, रोटर पावर फैक्टर है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब हम रोटर को सप्लाई देते हैं स्टार्टिंग में जो है एट स्टैंडर्ड कंडीशन में, जो स्टेटर रोटिंग फ्लक्स होगा वो ऐसे सेम होगा एज ए रोटर इंड्यूस्ड EMF। तो रोटर इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स। तो इसके फ्लक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रोटिंग, जैसे इक्वेशन शो करिए, A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 51। A2 क्या है, रोटर इंड्यूस्ड EMF, और 51 क्या है, स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स। तो टी इससे क्या हो जाएगा, हमारा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, इक्वेशन में हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो टी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा E2 into I2 cos phi 2। ठीक है, तो अब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लेंगे आगे इक्वेशन में, तो के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन आ जाएगा, तो हम के की वैल्यू ले लेंगे, तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जो है हट जाएगा। ठीक है, के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये साइन हट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे टॉर्क की, तो अब तब हमें पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और रोटर करंट की। तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है रोटर करंट की, वो होती है रेशियो होता है रोटर इंड्यूस्ड EMF अपॉन इम्पिडेंस ऑफ द रोटर, तो E2 upon Z2। E2 क्या है, रोटर इंड्यूस्ड EMF है, और Z2 क्या है, रोटर इम्पिडेंस। ठीक है, तो इसमें हम E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, S into E2। ठीक है, और Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इम्पिडेंस क्या होता है, R2 उसका स्केयर प्लस S into X2 का स्केयर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारा रोटर करंट आ जाएगा। सेकंड जो है हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा, रोटर पावर फैक्टर। ठीक है, तो रोटर पावर फैक्टर में क्या होगा, cos phi 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन अंडर रूट R2 का स्क्वायर X into X2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये cos phi 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम टॉर्क इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K into E2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट R2 का स्क्वायर X2 का स्क्वायर R2 upon R2 का स्क्वायर X2 plus R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी जब हम स्लिप की वैल्यू S = 1 पुट करेंगे, स्लिप की वैल्यू S = 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारी एक्चुअल आ जाएगी K into E2 का स्केयर R2 का स्केयर प्लस X2 का स्केयर। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी टॉर्क की अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन, जब आपकी स्लिप की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।
छोटी छोटी वीडियो बनाओ यार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर टॉपिक इन इलेक्ट्रिकल मशीन टू फॉर डब्ल्यू फिफ्थ स्टूडेंट्स, लॉकिंग ऑफ स्टेटर एंड रोटर फील्ड। अब ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर में जरूर आता है, ठीक है, लॉकिंग ऑफ स्टार्टर एंड रोटर फील्ड। अब लॉकिंग जो होती है वो स्टार्टर और रोटर की कैसे होती है, इसका क्या कारण है, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है लॉकिंग की, द फिनोमेना ऑफ स्टार्टर एंड रोटर टीथ लॉकिंग इज कॉल्ड टीथ लॉक्ड और कोकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। मीन्स जब स्टार्टर, जो मोटर के स्टार्टर और रोटर के जो स्लॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं तो आपकी मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमेना है आपका लॉकिंग का। अब सबसे पहले तो ये फिनोमेना होता क्यों है, ठीक है, इसके क्या रीज़न है। तो सबसे पहला जो रीज़न है इसकी, ये जो फिनोमेना होता क्यों है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडक्शन मोटर की ज़्यादा की होती है, क्योंकि जब आपकी मोटर रिफ्यूज़ कर देती है स्टार्ट होना, जब आप मोटर को सप्लाई देते हो तो मोटर स्टार्ट नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसलिए भी आ सकती है क्योंकि स्टार्टिंग में जो सप्लाई वोल्टेज है वो लो हो सकती है, ठीक है। और दूसरा रीज़न इसका ये है कि इसमें जो है लॉकिंग हो जाती है। लॉकिंग किस तरह से, जब स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आती है इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं स्टेटर के और जो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, यानी उनके जो टीथ होते हैं रोटर के और स्टेटर के वो टीथ एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिक पाथ है वो मिनिमम हो जाता है, जिससे कि मोटर क्या है घूमती नहीं है, वो स्टार्ट नहीं होती है, जिसके कारण वो ये स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न है इसका एक तो, ठीक है। अब इसमें लिखा ही हुआ है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में देखो आप, फर्स्ट पॉइंट में क्या, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर कम्स इनटू पिक्चर व्हेन मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट एट ऑल, समटाइम इट्स हैपन बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज। मीन्स कभी कभी ये तब होता है जब वोल्टेज लो हो जाती है, ठीक है, और ज़्यादातर ये तभी होता है जब मोटर लॉक हो जाती है, इसके रोटर और स्टार्टर स्टीथ लॉक हो जाते हैं। बट दी मेन रीज़न फॉर स्टार्टिंग प्रॉब्लम इन दी मोटर बिकॉज ऑफ कोकिंग इन विच द स्लॉट ऑफ स्टार्टर गेट लॉक्ड अप विद द रोटर स्लॉट, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न है होने का। नेक्स्ट जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो रोटर और स्टेटर के स्लॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स एंड नंबर ऑफ रोटर स्टेटर स्लॉट्स वो सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण सीरीज में होने के कारण वो जो रोटर स्लॉट्स हैं वो स्टेटर स्लॉट के इक्वल होते हैं, ठीक है। जब वो इक्वल हो जाते हैं तो उनकी अलाइनमेंट जो होती है वो इस तरह से हो जाती है कि बहुत फेस टू फेस हो जाते हैं दोनों। जब फेस टू फेस हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको पाथ नहीं मिलता, ठीक है, जिसके कारण मोटर स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आती है। एक तो ये रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब ये प्रॉब्लम अगर आ जाए मोटर में, इंडक्शन मोटर में, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले इसका मेथड है, हमें जो है नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स, फर्स्ट पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स शुड नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन दी स्टेटर, यानी कि हमें जो रोटर और स्टेटर के स्लॉट्स हैं वो इक्वल नहीं रखने हैं, ठीक है, उनको हमें डिफरेंट रखना है, जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम है स्क्यूइंग ऑफ रोटर, दैट मीन्स द स्टैक ऑफ रोटर इज अरेंज इन सच ए वे दैट इट्स एंगल विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स जो रोटर में जो स्लॉट्स होते हैं उनको हमें
अच्छी तरह से स्क्वी करके उनका स्टैक बनानी है, यानी कि जब शाफ्ट पे आप रोटर लगाओगे, ठीक है, और रोटर के जो स्लॉट्स होंगे उनकी जब इकट्ठा करके स्लॉट्स का जो स्टैक बनेगा, ठीक है, तो स्टैक जो है वो इस तरह से अरेंज करना है ताकि एक्सिस, जब एक्सिस का जब रोटेशन हो तो उससे एंगल बन जाए, ठीक है, यानी कि जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, एक्स वाई, तो उसका एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं इम्प्रूव करने के लिए जो लॉकिंग होती है स्टार्टर की, ठीक है, ताकि मोटर हमारी इजीली स्टार्ट हो सके और लोड उठा सके। थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन टू डब्ल्यू फेस स्टूडेंट्स, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इंडक्शन मोटर में, जैसा कि इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दे रखा है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला ब्लॉक है इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज़ गिवन टू द स्टार्टर, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई टू स्टार्टर, उसकी वैल्यू कितनी है, 3V1I1cos∅1। तो जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं इसे, इंसुलेटेड सप्लाई, ठीक है, तो इससे स्टेटर कॉपर लॉस होते हैं, स्टेटर कॉपर लॉस जो होते हैं वो 3.5% होते हैं। अगर हम 100% सप्लाई देते हैं तो 3.5% हमारे कॉपर लॉस हो जाते हैं। कॉपर लॉस किसके इक्वल होते हैं, 3I1² R1, तो स्टेटर कॉपर लॉस हैं। तो इससे जब स्टेटर कॉपर लॉस होते हैं तो जो इसका मैकेनिकल, यानी कि जो मैग्नेटिक पार्ट होता है स्टेशनरी, उसमें भी कुछ आयरन लॉस होते हैं, ठीक है, तो वो 2.5% होते हैं, ठीक है, तो कुल मिला के 6% लॉस हो जाते हैं स्टेटर में, ठीक है। तो जो हमारी जो पावर है वो ट्रांसफ़र होती है रोटर में, वो 94% होती है, ठीक है। तो 94% जब वो रोटर में ट्रांसफ़र होती है तो उसकी जो पावर वैल्यू होती है रोटर इनपुट की, वो क्या होती है, 3E2I2cos∅1, ठीक है। इसमें रोटर कॉपर लॉस भी होते हैं, वो भी 3.5% होते हैं, ठीक है। अब ये रोटर पावर जो होती है, ये जो होती है आपकी मैकेनिकल पावर डेवलप करती है किसी वजह से, जब उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जब करंट फ्लो होता है रोटर में तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से रोटर घूमता है और मैकेनिकल पावर डेवलप होती है इन दी रोटर। तो मैकेनिकल पावर जो होती है उसको हम PM से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से रोटर में फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉस होते हैं, वो 2% हो जाते हैं। सो 3.5% और 2% आपके ये हो गए, तो आपके कुल मिला के 88.5 मैकेनिकल पावर जो है वो आउटपुट पे मिलती है, ठीक है, रोटर को, तभी वो घूमता है, ठीक है। तो ये आपका पावर फ्लो डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हम इनपुट पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, ठीक है, और आउटपुट पे आपकी मैकेनिकल पावर जो है वो प्रोड्यूस होगी। इनपुट पे सब जो पावर सप्लाई होगी वो 100% होगी, तो आउटपुट पे आपकी जो पावर सप्लाई आएगी वो 88.5% प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन टू डब्ल्यू फिफ्थ स्टूडेंट्स, टॉर्क स्लिप कर्व। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क स्लिप, यानी टॉर्क इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसे। तो ये टॉर्क स्पीड, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडक्शन मोटर की, ठीक है। अब सबसे पहले टॉर्क स्लिप कर्व क्या होती है, द कर्व ड्रा बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो सर टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है वो T=K, ये देखो हमारा सबसे पहले टॉर्क का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो ये
कैपिटल टी इज इक्वल टू के इंटू एस ई टू का स्केयर आर टू अपॉन आर टू का स्केयर प्लस एस स्केयर एक्स टू का स्केयर। तो इसमें टी तो टॉर्क है, के इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एस इसमें स्लिप है और ई टू क्या है रोटर इंड्यूस डी एम एफ है, आर टू रोटर रजिस्टेंस है ठीक है, और आर टू का स्केयर प्लस एक्स इंटू एक्स टू का स्केयर ये इसका क्या है इम्पीडेंस है टोटल जो सम है ठीक है। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब इसमें ये शो कर रहा है ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट एट स्टार्ट, यानी कि जब हम मोटर सप्लाई देंगे ठीक है, तो जो मोटर की जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस होगी लेकिन स्लिप जीरो होगी, अगर स्लिप जीरो होगी तो टॉर्क जीरो होगा, सो तो हमारी कर्व जो है वो जीरो से स्टार्ट करेगी ठीक है। यहाँ पे दे रखा है तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, इस कंडीशन पे हमारी स्लिप जीरो होगी और टॉर्क जीरो होगा और मोटर की स्पीड जो है वो सिंक्रोनस होगी ठीक है। तो ये कर्व हमारी स्टार्टिंग से होगी जीरो से। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, जब हम स्पीड को इनक्रीज करेंगे, जब हमारी स्पीड यानी कि सिंक्रोनस स्पीड के नियर होगी, वेरी हाई स्पीड होगी ठीक है, तो हमारी जो स्लिप की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है वेरी स्मॉल स्लिप ठीक है। और जो है जो आपका रिएक्टेंस है इम्पीडेंस का वो नेगलिजिबल होगा एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ठीक है, तो वो नेगलिजिबल हो जाएगा ठीक है। जब आपकी आपको मोटर की स्पीड को इनक्रीज़ करोगे वेरी हाई स्पीड नियर टू सिंक्रोनस स्पीड ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक तो आपके स्पीड इंक्रीज होगी ठीक है, और जो है टॉर्क इंक्रीज होगा और स्लिप की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी ठीक है, और जो इसका इम्पीडेंस में जो रिएक्टेंस है वो नेगलिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी जो है जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन शो करेगी ठीक है, जीरो टू स्ट्रेट लाइन ठीक है। तो इस केस में तो जब आप फिर स्लिप को इंक्रीज करोगे दो दिस स्लिप इंक्रीजेस देन टॉर्क, जब स्लिप इंक्रीज करोगे टॉर्क इंक्रीज करेगा और वो उसके बाद वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा ठीक है। जब आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो स्लिप की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी एस इज इक्वल टू आर टू अपॉन एक्स टू, एस इज इक्वल टू आर टू अपॉन यानी कि रेशो हो जाएगा रेजिस्टेंस अपॉन रिएक्टेंस का ठीक है। तो स्लिप की वैल्यू आपकी आ जाएगी आर टू अपॉन एक्स टू ठीक है। जब आप फर्दर यानी कि स्लिप को इंक्रीज करोगे तो टॉर्क इंक्रीज होगा जैसे इसमें दे रखा है। अब ये स्ट्रेट लाइन के बाद देखो कर्व में, यहाँ से पहले जीरो से स्टार्ट होगी फिर स्ट्रेट लाइन जाएगी, जब इंक्रीज करोगे अब फिर फर्दर इंक्रीज करोगे तो स्लिप इंक्रीज होगी तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा, तो टॉर्क एक मैक्सिमम पॉइंट पर आ जाएगा जिसको हम पुल आउट टॉर्क भी बोलते हैं और ब्रेक डाउन टॉर्क भी बोलते हैं ठीक है। उस कंडीशन पर जो एस की वैल्यू होगी वो रेशो होगा आर टू अपॉन एक्स टू ठीक है। तो ये थर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या, अगर हम फर्दर स्लिप को इंक्रीज करेंगे ठीक है, अगर हम फर्दर को स्लिप को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो स्लिप की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी और टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या डिक्रीज, यानी टॉर्क हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ठीक है। हम इंक्रीज करके स्लिप हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी वेरी रैपिडली ठीक है। बट जो टॉर्क है हमारा, जो टॉर्क है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा स्लिप, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपका रिएक्टेंस है इम्पीडेंस में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो नेगलिजिबल हो जाएगी ठीक है। तो रेजिस्टेंस नेगलिजिबल हो जाएगा तो टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन दे रखी है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एस
अपॉन एस का स्केयर इंटू एक्स टू का स्केयर और डेक्स इक्वल टू वन अपॉन एस आ जाएगा और एक्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टॉर्क इज नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्लिप। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है इस केस में आपकी जो टॉर्क स्लिप कर गए वो शो करेगी लीनियर हाइपरबोला। ठीक है, क्या शो करेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टॉर्क स्लिप का। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, योर टॉपिक टुडे फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन टू डब्ली फिफ्थ स्टूडेंट्स, टॉर्क स्पीड कर्व। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था टॉर्क स्लिप कर्व, तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क स्पीड कर्व। टॉर्क स्पीड कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, द कर्व ड्रा बिटवीन टॉर्क एंड स्पीड ऑफ ए इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड टॉर्क स्पीड कर्व। ठीक है, तो टॉर्क स्पीड जो कर्व है इस फिगर नंबर बी में शो कर रखी है। इसमें हमने एक तरफ तो टॉर्क ले रखा है और एक तरफ स्पीड ले रखी है। ठीक है, तो उसके बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के दो तरह की जोन्स पे डिपेंड करेंगी। सबसे पहले तो अनस्टेबल जोन और स्टेबल जोन, तो इसमें दो तरह का बिहेवियर होता है मोटर का, स्टेबल जोन में और अनस्टेबल जोन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनस्टेबल जोन में, जब हम मोटर डेवलप करती है सेम टॉर्क। ठीक है, एट पॉइंट, अब इस एक्सरसाइज में देखो सबसे पहले पॉइंट क्या है, मोटर जो है वो सेम टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है एट पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, लेकिन जब हम एट पॉइंट एक्स जब हम लोड को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, और जो मोटर जो है वो लोड पिकअप नहीं करेगी, इसके कारण वो अनस्टेबल जोन में आ जाएगी और मोटर हमारी सडनली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अनस्टेबल जोन में। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है जो है हमारा एट पॉइंट वाई, जब हमें स्टेबल जोन होगी, सेकंड पॉइंट है स्टेबल जोन में क्या होगा, स्टेबल जोन में देखो क्या होगा, एट पॉइंट एक्स, इस केस में टॉर्क तो सेम होगा लेकिन जब हम इंक्रीज करेंगे तो स्पीड जो है हमारी लोड को इंक्रीज करेगी तो स्पीड हमारी डिक्रीज होगी, लेकिन इस केस में टॉर्क जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, टॉर्क डिक्रीज नहीं होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा, इसकी वजह से मोटर जो है वो लोड उठा लेगी, पिकअप कर लेगी और एक्स्ट्रा लोड भी मोटर इसमें उठा सकती है। ठीक है, तो ये मोटर इस केस में स्टेबल जोन में आ जाएगी। समझ में आ गया, तो स्टेबल जोन और अनस्टेबल जोन ये टॉर्क स्पीड के क्रम में आपने डिस्कस करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।